representing irrational numbers. On the representing irrational numbers on the number line. Number line पर मेरे को irrational numbers जो हैं वो represent करने हैं. Sir, similar problem में इसको नहीं करवाया. कोई बात नहीं, वैसे मीन में तो आएगा ही ना, अभी वाले में नहीं आ रहा होगा. सिलेबस है अभी किसी के पास? नहीं, देखता हूँ अभी, लेटेस्ट सिलेबस देखता हूँ. एनसीईआरटी किसी के पास नहीं है अभी? है अभी बिल्कुल साफ साफ दे रखा है, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रैशनल, ब्रैकेट में लिखा है इरेशनल नंबर्स सच एज रूट टू रूट थ्री एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर लाइन. ठीक है ना, दे रखा है तो ये करना ही है. एक पीडीएफ भेज दी है आपको ना, ग्रुप पर भेज दी है अभी पीडीएफ. तो कभी भी अगर कोई दिक्कत हो या कोई भी टॉपिक हो जिसमें कंफ्यूजन हो जरा सा भी, ये करना है या नहीं करना है, फाइनल एग्जाम में तो ये आएगा क्योंकि सिलेबस में दे रखा है. अब अगर उन्होंने हटवा दिया, आपके यहाँ पर मान लो नहीं करवाते हैं कि हम फाइनल में भी नहीं देंगे, तो बहुत अच्छी बात है, आप एक एक्स्ट्रा टॉपिक करो क्या, ठीक है. लेकिन कई बार क्या करते हैं ना कि अचानक बता देते हैं कि इस दिन आपका पेपर है और उसमें ये वाला टॉपिक भी आएगा, और ये 5 मिनट में करवा भी देते हैं पता नहीं उसको कैसे. तो इस वजह से आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है. रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. तो आप ये देखिए कि इफ वी विश टू रिप्रेजेंट, इफ
we wish to represent 2, 3, or 4 or any other rational number, 2, 3, or 4 or any other rational number on the number line, then अगर हमको 2, 3, 4 या कोई भी रैशनल नंबर है जिसको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो उसको किस तरीके से बना देंगे हम? ऐसे इस तरफ इंफिनिटी लिख दीजिए, इस तरफ लिख दीजिए माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब बहुत बड़ा कोई नंबर, माइनस इंफिनिटी का मतलब बहुत छोटा कोई नंबर, ठीक है? तो मेरे को 2, 3, और 4 रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ सेंटर में हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 2 पर ऐसे आप डॉट बना दीजिए, 3 पर डॉट बना दीजिए और 4 पर डॉट बना दीजिए। तो हमने 2, 3, और 4 को तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो है ये तीनों के तीनों ना रैशनल नंबर्स हैं। अब अगर मान लीजिए हमको इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? However, if we want to represent any irrational number, on the
कंप्रेस्ड और पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लिखिएगा, ऑलवेज अज्यूम, ऑलवेज अज्यूम एच इज इक्वल टू द your rational number h is equal to the irrational number to be plotted this irrational number ko aapko number line par plot karna hai na, number line par jisko represent karna hai usi ko h ke barabar maan lo, hypotenuse ke barabar maan lo, theek hai। uske baad ye kahenge, ye to humko hamesha ye assume karna, uske baad ye kahenge always assume b b बोलिए या फिर लिखिएगा b square a perfect square, perfect square just less than the number mentioned in the square root, नंबर मेंशन इन द स्क्वायर रूट, ठीक है। बस इतना आपने लिख लिया, अब इसके बाद आगे की कहानी देखते हैं। अभी तो आपको शायद ये समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ क्या करना है। मेरे को करना है क्या, रिप्रेजेंट रूट टू अंदर नंबर नाइन, हमको रूट टू को नंबर नाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो रूट टू को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो रूट टू है इसी को हाइपोटेन्यूज के बराबर मान लो, जो भी इरेशनल नंबर होता है उसी को हम हाइपोटेन्यूज के बराबर मान लेते हैं। तो अब आप ये कहिएगा, लेट h इज इक्वल टू अंडर रूट टू, लेट h इज इक्वल टू अंडर रूट टू, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको h तो हमेशा वही मान लेना है और बेस क्या मानेंगे, हम बेस को क्या मानेंगे, बेस हो जाएगा अंडर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है। Always assume b square a perfect square just less than the number mentioned in the square root। तो हमने क्या करा, b square हम किसको मान लेंगे, इसके अंदर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्या नंबर लिखा हुआ है, टू से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, वन, ठीक है। तो b square को वन मान लिया। अब क्या करेंगे, हो गया b square की जगह आपने लिख दिया वन और फिर आ गया आपके पास बी स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, देखिएगा अंडर रूट टू का स्क्वायर इज टू, ये वन और ये पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू माइनस वन मतलब वन, पी स्क्वायर की वैल्यू वन आ गई, पी स्क्वायर की वैल्यू वन आ गई, तो इसका मतलब पी कितना आ गया, वन आ गया। मतलब स्क्वायर रूट लेंगे, इधर वन का स्क्वायर रूट लेंगे तो वन आ जाएगा, और पी स्क्वायर का भी जब स्क्वायर रूट लेंगे तो पी आ जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है। तो अभी मेरे पास ये हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर ये वैल्यूज आ गए। अब उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी एक प्रोटेक्टर की एंगल बनाने के लिए और कंपास विद पेंसिल, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए कैसे करना है, आपको सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है ऐसे यहाँ पर मैंशन, इधर तो मैंशन कर दो माइनस इन्फिनिटी, इधर मैंशन कर दो प्लस इन्फिनिटी, यहाँ मैंशन कर दो जीरो, ठीक है। अच्छा, जब हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं तो बेस तो हमेशा ऐसे ही बनेगा, बेस तो बेस कितना दिया है आपने, बेस का स्क्वायर वन है। जब बेस का स्क्वायर वन है, yeah।
तो ये जीरो हो गया। अच्छा बेस जो है ना, बेस का स्क्वायर बना है तो इसका मतलब बेस भी बना होगा। तो आपको क्या करना है, स्केल लेकर 1 सेंटीमीटर तो बहुत छोटी लाइन हो जाएगी, 1 इंच बना लेना। भाई जो स्केल होता है तो स्केल में सेंटीमीटर एक तरफ होता है, दूसरी तरफ इंच होता है, तो 1 इंच बना लेना। नहीं तो आपको ना कंपास के लिए घुमाने की जगह नहीं बनेगी, 1 सेंटीमीटर जरा सा बनेगा छोटा सा, तो इसलिए 1 इंच ले लेना। आपने यहाँ पर 1 इंच ले लिया और उसको मार्क कर दिया 1। तो ये अभी इसी तरीके से है जो आपने बेस मार्क करा है, वो बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि एक नॉर्मल नंबर लाइन होती है। 0 0 के बाद आपने 1 मेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर प्रोटेक्टर रखकर और आप 90 डिग्री का एंगल बना लोगे, ऐसे परपेंडिकुलर बना लोगे। आप परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन बन गई। अब ये जो परपेंडिकुलर है, लेकिन परपेंडिकुलर तो हमने देखा, परपेंडिकुलर तो 1 आया है। तो आपने यहाँ पर स्केल क्या लिया, इंच लिया, तो आप यहाँ पर भी 1 इंच का मार्क लगा लोगे। 1 इंच पर आपने यहाँ मार्क लगा लिया। ये काम आप स्केल से करोगे, परपेंडिकुलर तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लोगे। फिर उसके बाद आप स्केल रखकर यहाँ पर 1 इंच पर एक मार्क लगा लोगे, ठीक है। अब मेरे पास बेस भी 1 हो गया, परपेंडिकुलर भी 1 हो गया, तो हाइपोटेन्यूस अपने आप ही √2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, ये इस पॉइंट को बोल दो ए, इस वाले पॉइंट को बोल दो बी, और ओ और ए को ज्वाइन करिए, ये बन गया अंडर रूट, ठीक है। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब कंपास लेना, उसमें पेंसिल लगानी है। कंपास का नीडल जो है वो तो रखोगे ओ पर, पेंसिल रखोगे ए पर, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस आ गया, वो रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, √2 के बराबर। कंपास का नीडल यही रहेगा और आप यहाँ से डॉटेड आर्क लगा दोगे एक ऐसे, और ये जो पॉइंट आया है यही √2 है, ये जो पॉइंट आया है यही √2, ठीक। समझ गए कि नहीं। हमको क्या करना है, सबसे पहले जो भी नंबर हमको रिप्रेजेंट करना है, इरेशनल नंबर जो भी हमको रिप्रेजेंट करना है, उसको आप मान लेंगे हाइपोटेन्यूस के बराबर। तो लेट एच इज इक्वल टू √2, पहली कहानी तो ये होगी। फिर उसके बाद बी स्क्वायर को आप क्या मानेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर। तो जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, 2 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर इज 1, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करेंगे, देखिए फिर मेरे पास ये वैल्यू मैंने डाली, अब मैं पी की वैल्यू निकालूंगा, तो पी की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास, ठीक है। वो करने के बाद फिर आप क्या करें, आप इससे ओरिजिन से, इसको ओरिजिन बोलते थे, ओरिजिन से आपने इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, एक इंच इधर बना लिया, 1 इंच इधर बना लिया, बेस बना लिया, परपेंडिकुलर बना लिया, दोनों को ज्वाइन करा, हाइपोटेन्यूस आ गया। यहाँ पर कंपास का नीडल रखा, यहाँ पर पेंसिल की टिप को रखा, यहाँ पर आपने एक आर्क लगा लिया। वो आर्क जहाँ पर भी इस नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, कट करेगी, वही आपका √2 की वैल्यू है। बताइए क्लियर, समझ गए। हाँ जी अब नहीं क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, अब इसी तरीके से अगला देखते हैं। अगला जैसे √3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन, √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। √3 को जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो जिसको रिप्रेजेंट करना होता है उसी को मैं एग्जैक्टली h के बराबर मान लेता हूँ, तो लेट h इज इक्वल टू √3। पहली चीज तो ये, अब जो बी स्क्वायर है वो मुझे क्या लेना है, वो मुझे √3 से जस्ट छोटा, मतलब √3 नहीं एक्चुअली 3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर लेना है। 3 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1, तो हम कहेंगे दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा अब क्या करेंगे,
भाई पाइथागोरस थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम एट स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच कितना हो गया रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कितना है वन प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया थ्री, ये हो गया वन, ये हो गया बी स्क्वायर, अब वन को इधर ले करो थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई टू, तो इसका मतलब टी की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट टू, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो हो गई अंडर रूट टू। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि परपेंडिकुलर है अंडर रूट टू, तो अंडर रूट टू हम किस तरह से बनाएं, परपेंडिकुलर अंडर रूट टू है तो अंडर रूट टू हम किस तरीके से बनाएं, तो देखिए ऐसा होता है जैसे ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, इसको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, बेस और परपेंडिकुलर को इंटरचेंज किया जा सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वी कैन इंटरचेंज, भाई पाइथागोरस थ्योरम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना अगर हम इंटरचेंज भी कर देते हैं बेस और परपेंडिकुलर को, क्योंकि हमको बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर करना है, उसको पलट दो आप पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, और लेट अस इंटरचेंज P। जब भी कभी आपका P इस तरीके से आ जाए कि अंडर रूट वाली टर्म आ रही है ना, तो आप क्या करें आप B और P को इंटरचेंज कर दीजिए। अच्छा, और जब B और P को हमने इंटरचेंज करा तो क्या हो जाएगा कि सो H इज इक्वल टू रूट थ्री, B इज इक्वल टू अंडर रूट टू एंड p इज इक्वल टू वन, ठीक है, एंड p इज इक्वल टू वन। तो जैसे मैंने आपको ये रूल भी लिखवाया है ना कि हम बी स्क्वायर को एक परफेक्ट स्क्वायर मान सकते हैं जस्ट लेस देन द नंबर मेंशन्ड इन द स्क्वायर रूट, तो बी स्क्वायर की जगह आप पी स्क्वायर भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, दोनों में से कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं होगी उससे, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, जैसे हमारे पास b की वैल्यू रूट टू है और p की वैल्यू वन है, तो b की वैल्यू रूट टू कैसे बनाएंगे हम, नंबर लाइन पर रूट टू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, भाई बेस तो मेरे को नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना, जैसे मैंने पहले वन रिप्रेजेंट करा था यहाँ पर, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा रूट थ्री बनाने के लिए पहले मुझे रूट टू बनाना पड़ेगा, उसके बाद रूट थ्री बनेगा। देखिए कैसे, ये ऐसे होगा
क्योंकि अब मेरे पास बेस पे आ रहा है रूट टू, तो इसका मतलब रूट टू पहले मुझे बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, रूट टू बनाना हम जानते हैं, यहाँ पर इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पर इन्फिनिटी हो गया, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद देखिएगा हमने यहाँ पर बना लिया जीरो, फिर हमने क्या करा, हमने स्केल से वन इंच का मार्क ले लिया, इसको मैंने पॉइंट ए बोल दिया, ठीक है, स्केल से वन इंच का मार्क लगा लिया हमने, बिल्कुल वही काम करेंगे जैसे रूट टू बनाया था। फिर वन इंच की लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, परपेंडिकुलर इतना बड़ा ड्रॉ करा, वन इंच हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसको इससे ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को बी बोल दिया, ये हो गया अंडर रूट टू। अब वही जो आपका कंपास है, कंपास का नीडल यहाँ पर रखा, पेंसिल का टिप यहाँ पर रखा, और यहाँ से मैंने एक इस तरीके से आर्क लगा दिया। जब आर्क लगा दिया तो बेटा ये वाला पॉइंट क्या हो गया, अंडर रूट टू, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला पॉइंट वन है, तो इसका मतलब क्या है कि जीरो से यहाँ तक का जो लेंथ है वो वन है। ये वाला पॉइंट रूट टू है, इसका मतलब जीरो से यहाँ तक का जो लेंथ है दैट इज रूट टू, ठीक है। तो अब बेस मेरे पास रूट टू ये आ गया, अब क्या करूँगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर बना लूंगा ऐसे, प्रोटेक्टर लेकर इस वाले पॉइंट पर परपेंडिकुलर बना लिया, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, वन, परपेंडिकुलर की वैल्यू वन है, तो वन पर मार्क लगा लिया यहाँ पर ऐसे, इस पॉइंट को बोल दीजिए आप सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वन है, अब क्या करेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला लेंथ कितना है, अंडर रूट टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला लेंथ कितना है वन, तो बेस कितना हो गया रूट टू, परपेंडिकुलर कितना हो गया वन, तो अगर मैं ओ से सी को ज्वाइन कर दूंगा तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा रूट थ्री। अगर हमने ओ से सी को ज्वाइन करा तो हाइपोटेन्यूज आ गया रूट थ्री। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू कितनी आ गई, रूट थ्री, रूट थ्री। तो ऊपर कंपास का नीडल रखा, सी पर पेंसिल का टिप रखा और इसको ऐसे हमने डॉटेड लाइन बना लिया ऐसे। अब जो ये पॉइंट मेरे पास आया है ये आ गया रूट थ्री। बताइए समझ गए, दोबारा बोलो, कंपास का नीडल ऊपर रखा है ना और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, तो ये पूरा का पूरा रूट थ्री आ गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ रूट टू है, यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ वन, ठीक है। आप ये कुछ बोल रहे हो, स्पाइरल वाला भी यूज करा जा सकता है, स्पाइरल वाला भी यूज करा जा सकता है, वो भी ठीक है। अभी तो मैं लीनियर मेथड बता रहा हूँ, एक स्पाइरल मेथड है जो तुम बोल रहे हो, शायद स्पाइरल ही करवाया होगा तुम्हें भी इसको, ठीक है ना। तो स्पाइरल वाला भी अभी अपनी बता दूंगा, पहले ये समझ लीजिए लीनियर वाला। अच्छा, अब ये रूट थ्री हो गया, रूट थ्री के बाद फिर अगला उठाते हैं रूट फाइव। Let h is equal to root 5, ठीक है? अब जैसे b square को 1 माना था, अब शुरुआत में ये काम करते हैं, b square को रहने देते हैं, p square को मान लेते हैं, मान सकते हैं दोनों में से किसी को। तो let p square is equal to, अब p square क्या लेंगे? 5 से square root के अंदर लिखा होगा 5, 5 से just छोटा perfect square क्या होगा? 4, ठीक है? तो let p square is equal to 4, तो by Pythagoras theorem by Pythagoras theorem, hypotenuse का square is equal to base का square plus perpendicular का square, तो hypotenuse क्या root 5, root 5 का square is equal to base का square और perpendicular का square क्या हो गया 4 हो गया, root 5 का square is 5, b square plus 4, plus 4 को इधर ले आओ, 5 minus 4 is equal to b square, it implies that b square is equal to 1, यानी कि b is equal to 1, तो base की value 1 आ गई, perpendicular पर b square की value 4 है, तो b square की value 4 है, तो it implies that p की value क्या आ गई 2, hypotenuse की value 1, root 5 मान चुके, ठीक है। अब क्या करना है,
क्या करेंगे, नंबर डाइव बनाइए ऐसे, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना होगा, हमें बेस में बनाना है वन, तो यहाँ पर ले लीजिए जीरो, यहाँ पर ले लो वन इंच का डिस्टेंस, ठीक है, इस पॉइंट को ए बोल दो आप, और यहाँ पर प्रोटेक्टर रखकर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे। अब मुझे परपेंडिकुलर लेंथ कितनी लेनी होगी, परपेंडिकुलर मुझे लेना होगा टू, ठीक है, तो ये हो गया वन और ये हो गया टू, ठीक है। अब क्या करिए, ओ को इससे ज्वाइन कर दो, ओ को इससे ज्वाइन कर दो, तो ये पूरी लेंथ, इसको बी बोल दिया, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी है, टू है। और हम ये जानते हैं जब बेस वन है परपेंडिकुलर टू है तो हाइपोटेन्यूस रूट फाइव ही आएगा, हो गया रूट फाइव। अब कंपास की नीडल ऊपर रखिए, पेंसिल की टिप बी पर रखिए और ऐसे एक आर्क लगा दो, ये हो गया अंडर रूट फाइव। बताइए जी, क्लियर है सभी को, ठीक है। अच्छा, अब जो है एक दूसरा मेथड भी होता है, स्पाइरल मेथड। जैसे ये रूट फाइव है, ऐसे ही ना हम रूट सिक्स रूट सेवन की बना सकते हैं, ठीक है। रूट सिक्स बनाने के लिए मेरे को रूट फाइव की जरूरत पड़ेगी, रूट सेवन बनाने के लिए, रूट सेवन बनाने के लिए रूट सेवन करते हैं, चलो पहले रूट सिक्स को समझिए ना कैसे बनाओगे। जैसे रूट टू करा था हमने, तो रूट टू से जस्ट अगला अंडर रूट निकाला था रूट थ्री, है ना, तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ी, उसके लिए मेरे को रूट टू की जरूरत पड़ी। अब ऐसे ही रूट सेवन निकालना है, रिप्रेजेंट रूट सेवन ऑन द नंबर लाइन, रूट सेवन ऑन द नंबर लाइन, फिर क्या करेंगे, लेट एच इज इक्वल टू रूट सेवन, परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो क्या होगा, जो सेवन है सेवन से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, फोर होगा, उसको फोर ले लिया, इसका मतलब पी की वैल्यू तो टू आ गई, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू रूट सेवन का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट सेवन का स्क्वायर इज सेवन माइनस फोर, बेस स्क्वायर कितना हो गया, थ्री हो गया, उसके बाद फिर रूट सेवन आसानी से बन जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लिया, प्रोटेक्टर रखकर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना लिया, और ये वाली लेंथ जो है, ये वाली लेंथ अगेन बन ले ली, ओरिजिन को इससे ज्वाइन कर दिया, ये लेंथ कितनी आ गई, रूट थ्री। यहाँ पर कंपास का नीडल रखा, यहाँ पेंसिल की टिप रखी, ये बन गया हमारे पास रूट थ्री, ये रूट थ्री हो गया।
रूट थ्री आ गया तो मेरे पास बेस आ गया, रूट सेवन के लिए मेरे पास बेस आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक वाली लेंथ को रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये तो होगी हमारे पास लेंथ रूट थ्री। तो परपेंडिकुलर कितना लेना है मेरे को, परपेंडिकुलर लेना है टू, परपेंडिकुलर लेना है टू। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ये तो वन है ही वाली लेंथ, लगभग इसकी डबल, ये टू हो गई। ठीक है, अब ओरिजिन से उसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, तो ये वाली लेंथ आप समझ ही गए होंगे, ये वाली लेंथ हो गई रूट सेवन। ठीक है, ये रूट थ्री है, ये टू है, और इससे ऐसे हम आर्क लगाएंगे, ये वैल्यू आ गई रूट सेवन। बताइए जी, सभी को क्लियर है? ये जितना भी करवा रहा हूँ ये आपको कंपास और नीडल की हेल्प से खुद से करके लेकर आना है। ठीक है, दूसरी चीज एक और बता रहा हूँ आपको कि ये जो अब जो नेक्स्ट वीक है इसमें वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को आप लोग प्रिपेयर रहिए, वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का टेस्ट है, पूरे पॉलिनोमियल्स का नहीं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का। ठीक है, तो प्रिपेयर करिए उसको ढंग से, और ये जो बीच के दो चार दिन जो आपको मिल रहे हैं इसमें कहीं पर कोई भी डाउट आए आइडेंटिटीज़ में तो वो मेरे से पूछना। ठीक, वो होने के बाद में फिर कल हमने वो कर ही लिया, मैटर इनवर्स सराउंडिंग्स वो कम्प्लीट हो गए तो उसका भी टेस्ट होगा, और उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा कि सबसे पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के पीछे और एनसीईआरटी के बुक में बीच में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो प्रिपेयर करके आने। मैं पहले से ही पेपर बता रहा हूँ कि उन्हीं में से दूंगा क्वेश्चंस। ठीक है, वो प्रिपेयर करके आने, और वो हम पहले डिस्कस भी कर देंगे क्लास में। ठीक है, मंडे को या ट्यूजडे को डिस्कस कर देंगे। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा, ये तो रूट सेवन हो गया, अब इसके बाद एक मैथड होता है स्पाइरल मैथड। स्पाइरल मेथड फॉर, स्पाइरल मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग, स्पाइरल मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये कराता हूँ, एक मिनट वेट करिए बस। कोई बात नहीं, कोशिश करो, क्योंकि कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। जो शुरुआत वाला छूटा है ना उसमें आपकी वही आइडेंटिटी छूटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो छूटी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, वो कराया। ठीक है, तो वो ऐसा मुश्किल नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा। क्वेश्चंस भी कुछ हैं जो मैंने यहाँ पर होमवर्क में दिए थे तुम्हारे आने से पहले, वो मैं तुम्हें फॉरवर्ड करूँगा, करके देखना, आसान लगेगा, कुछ मुश्किल नहीं। वीडियोज़ भी हैं पुरानी, वो भी सेंड कर दूँगा, तो मुश्किल नहीं लगेगा, दोनों को भेज दूँगा।
अब स्पाइरल मेथड देखिए, वो फिब्रोसेंटिक इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो स्पाइरल मेथड ऐसा मेथड होता है कि एक ही उस पर आप बहुत सारे नंबर्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा किस तरीके से होगा। अब इसमें मैं ये मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि मेरे को रूट टू रिप्रेजेंट करना है, रूट थ्री करना है, रूट फोर करना है, क्या करना है। एक पर ही आप देखिएगा कि सारे के सारे रिप्रेजेंट करे जा सकते। तो ये सारा मिटा दूंगा। ठीक है, अच्छा ये जो हम कर रहे हैं ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद एक और है छोटा सा टॉपिक, उसमें ये है कि अगर डेसिमल में दे रखा है आपको इरेशनल नंबर, अगर डेसिमल में दे रखा है, ठीक है, जैसे अंडर रूट 7.2, अंडर रूट 3.1 अगर इस तरीके से दे रखा है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है इरेशनल नंबर को, उसको नंबर लाइन पर कैसे करते हैं। तो वो खैर 5 या 10 मिनट का टॉपिक है, वो मैं मेन क्लास में सभी बच्चों के साथ ही रिवाइज करा दूंगा आपको, क्योंकि वो भी भूल गए होंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटी से पहले काम करते हैं, नंबर सिस्टम का रख लेते हैं टेस्ट, कैसा रहेगा, है ना। उन बच्चों ने भी कर रखा है, आप लोगों ने अभी अभी करा है, है ना, ये सही है। वेडनेसडे या थर्सडे को, असल में कल क्लास होगी ना मंडे को, जब शाम को 7 बजे क्लास होगी, तो कल ही सारे बच्चों से डिस्कस कर लेंगे। हो सकता है किसी बच्चे को कोई मंडे को, मतलब उसको वेडनेसडे या थर्सडे को किसी बच्चों का एग्जाम हो, डीपीएससी में वेडनेसडे को होता है ना डीपीएससी, इस वजह से वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहे हैं शायद हम लोग, तो फिर तो वेडनेसडे को भी रखा जा सकता है। वेडनेसडे को कौन सा है, इंग्लिश का, फिर अगले वेडनेसडे को होगा, ठीक है, तो वेडनेसडे को रख सकते हैं वैसे, है ना, पर एक बार मंडे को डिस्कस कर लें। अब देखिए स्पाइरल मेथड में ऐसा करेंगे, ये वो वाला मेथड है अभी जो तुम बता रहे थे तुम्हारे यहाँ पर करवाया है। तो इसमें क्या करेंगे, एक ना लंबी लाइन बनाते हैं, बड़ी लाइन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, मैं जितना पेज है अपनी लगभग लगभग उतनी बड़ी लाइन बना। उसके बाद जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग थोड़ा सा इधर जगह छोड़कर स्टार्टिंग थोड़ी यहाँ से करो, यहाँ पर मैंने ओरिजिन बना दिया ओ, ठीक है। अब जो बेसिक मेथड है रूट टू बनाने वाला वो मैं जानता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे बेस में भी बन लेना होता है और परपेंडिकुलर में भी बन लेना होता है। यहाँ पर बने और परपेंडिकुलर में भी बने, तो ये 90 डिग्री का हमने बना। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या आ गया, रूट टू आ गया, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, इसको ऐसे 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 डॉटेड लाइन बनाई, मतलब कंपास का निडल यहाँ रखा, पेंसिल का टिप यहाँ पर रखा और यहाँ पर आ गया अंडर रूट टू, ये हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या करना होगा, फिर मेरे को बनाना रूट थ्री, है ना, रूट टू जैसे बना लिया अब बनाना रूट थ्री। ये वाला मेथड आपको कंपेरेटिवली ईजी लग सकता है उसके मुकाबले जो हमने अभी करा। तो मुझे ये मालूम है कि जो रूट टू है, रूट टू पर यहीं पर यहाँ पर आप प्रोटेक्टर का जो बेस लाइन है, प्रोटेक्टर की बेस लाइन को ऐसे रखो और यहाँ पर 90 डिग्री की एक लाइन बना दो, और वो कितनी लेंथ होनी चाहिए उसकी, वही 1, आपने इंच लिया है तो इंच 1। अब ओ से इसको ज्वाइन कर दो, जब आप ओ से इसको ज्वाइन करेंगे तो बेटा ये वाली लेंथ कितनी आ गई, रूट 3 आ गई, ठीक है। तो अब जरा देखिए, ये रूट टू है, ये 1 है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये रूट 3 है, कि भाई बेस रूट 2 है और परपेंडिकुलर बने, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 प्लस 1 इज 3, तो ये रूट 3 आएगा। कंपास का नीडल यहाँ रखो, पेंसिल की टिप यहाँ रखो और यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना दीजिए, ये बन गया रूट 3, ठीक है। तो सेम नंबर लाइन पर हम बहुत सारे जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, अब जो रूट 3 है, रूट 3 पर आप क्या करिए, यहाँ पर आप 2 इंच की लाइन बना लेना, नहीं 2 इंच की नहीं बनाओगे, 1 इंच की बनाओगे तो 3+1 4 बन जाएगा, 1 की बनानी पड़ेगी, इस पर 1 1 की बनती है, 1 की बनाएंगे ये परपेंडिकुलर हो गया,
ये बन गया है। अब बताइए ये वाली जो लाइन है इसको आपने ज्वाइन कर दिया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। इस तरीके से देखिएगा इसको कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज ही कहलाती है। अब देखिएगा रूट थ्री का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 प्लस 1 इज 4 और 4 का स्क्वायर रूट इज 2। तो इसका मतलब इसको रूट 4 लिखने के बजाय इसको 2 लिखेंगे सीधा। यहाँ से कंपास की नीडल को यहाँ रखा, पेंसिल की टिप को यहाँ रखा और ऐसे 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 डॉट डॉट बना दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया 2। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, ये 5 बनाना है, तो 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो अब आपकी मर्जी है, चाहे तो यहाँ कर लो उस चीज़ को और चाहे यहीं पर कर लो। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की या 1 इंच की लाइन बनाई, अगर ये 2 इंच है तो इधर 1 इंच की लाइन बनाई, इसको इससे ज्वाइन करा और ऐसे 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 करके बना दिया, तो ये हमारे पास रूट 5 है। अगर आप चाहते तो आप यहाँ पर भी कर सकते थे कि इधर 90 डिग्री का बना दिया। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर इधर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये जो है ये भी रूट 5 बना। जहाँ से भी अगर आप इस तरीके से लेकर आओगे तो ये इसी पर आकर ज्वाइन करेगा रूट 5 पर। ठीक है, तो स्पाइरल मेथड ये है कि आपका ना ऐसे 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 करके एक स्पाइरल बनता चला जाता है। ठीक है, इसलिए इस पर स्पाइरल मेथड बोलते हैं, ये तरीका है। बताइए भाई समझ में आ गया। अब नहीं क्लियर है? यस सर। बाकी बच्चे बताएं, ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो जितना भी ये करवाया है, अलग से कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, जितना भी ये करवाया है इस सबको प्रॉपरली पेंसिल से कंपास से इससे करके लेकर आओ, और आप दोनों पुराना होमवर्क भी करके लेकर आना जो कल दिया था। ठीक है, नंबर सिस्टम ढंग से प्रिपेयर करो, ईमानदारी से टेस्ट करोगे तो जो आपका यूनिट टेस्ट होने वाला है स्कूल में उसमें भी नंबर सिस्टम ही आ रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा ही परफॉर्म करोगे उसमें। ठीक है, साथ साथ प्रिपेयर करते चलिए, होमवर्क में लापरवाही मत करो। चलिए जी, फिर बाकी कल शाम को 7 बजे होगी आपकी क्लास। हाँ बताओ ना।